हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये मैंने ग्वार की फली ली हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के काट लिया था। काटने के बाद मैंने फिर से इन्हें बहुत अच्छे से धो लिया है। अब मैंने कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें जीरा, साथ में मैंने हींग ऐड कर दी है। अब ये जो सब्ज़ी मैंने काट के धो के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद बहुत अच्छे से मैं चलाती हुई इस सब्जी को तेल में मुझे अच्छे से भून लेना है, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें एक चुटकी चीनी ऐड कर दी। जब हम हरी सब्जियाँ बनाते हैं तो उसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं तो उनका कलर बिल्कुल एज इट इज रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड किए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। देखिए, इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। आपको ऑयल दिख रहा होगा, देखिए इस तरह से आपको चलाते हुए भून लेना, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। अब मैं इसको ढक के पका लूँगी। बीच बीच में मैं इसे चेक करती हुई पकाती रहूँगी। जब ये पक जाएगी सब्ज़ी तब मैं इसमें 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन ऐड करने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और जब हम बेसन ऐड करते हैं तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम रखना होता है कि हमारा बेसन जले नहीं, बहुत अच्छे से बेसन ये इस सब्ज़ी में मिल जाए और बहुत अच्छे से पक जाए। देखिए, इस तरह से आपको चलाते हुए बेसन को भून लेना है। जैसे ही बेसन भून जाएगा उसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये बेसन बहुत अच्छा भून गया है। आप देखिएगा, धीमे धीमे बेसन भून के तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी जब ये बेसन भून जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर। देखिए, ये आमचूर पाउडर डाल दिया। बहुत थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है और इन सबको मैं बहुत अच्छे से चलाते हुए मिला लूँगी। देखिए, नीचे ये तली में चिपकने लगा क्योंकि ऑयल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। देखिए, पक के तैयार हो गई। अब मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर।